भगवान के घर से लेकर आए हुए हैं शरीर के इन पांच अंगों पर निशान, तो जान लीजिए सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसका मतलब। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोगों के शरीर पे कोई ना कोई निशान जरूर होता है। देखने में ये निशान साधारण ही लगते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इन्हें बर्थमार्क का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। शरीर के कुछ अंगों पर बर्थमार्क होने से आप काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि शरीर के किन अंगों पर बर्थ मार्क होना शुभ होता है। किसी के चेहरे पर अगर कोई बर्थ मार्क होता है तो वो लोगों को लगता है कि इससे उनकी सुंदरता कम हो रही है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र की माने तो चेहरे पर बर्थ मार्क होना सौभाग्य की निशानी माना जाता है। चेहरे पर बर्थ मार्क होने से व्यक्ति के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है, साथ ही ऐसे लोग संवेदनशील माने जाते हैं। जिन लोगों के पैरों पर बर्थ मार्क होता है ऐसे लोग बहुत ही तरक्की पसंद होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों के पैरों में बर्थ मार्क होता है वे लोग दूसरों के लिए भी बहुत भाग्यशाली सिद्ध साबित होते हैं। पैरों पर बर्थ मार्क वाले लोग बहुत कम मेहनत में भी बहुत तरक्की करते हैं। जिन लोगों के पेट पर बर्थमार्क होता है ऐसे लोगों को लालची माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पेट पर बर्थमार्क होना यह दर्शाता है कि ऐसे लोगों को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। इनके मन में हमेशा थोड़ा और की भावना देखी जाती है। जिन लोगों के सीने पर बर्थमार्क होता है उन्हें काफ़ी हसमुख स्वभाव का माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत आसानी से किसी का भी दिल जीत लेते हैं, साथ ही ऐसे लोगों को बहुत भी रोमांटिक माना जाता है। प्यार के मामले में ऐसे लोग काफ़ी, इनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। जिन लोगों के पीठ पर बर्थमार्क होता है ऐसे लोग भी सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग खुले विचारों वाले होते हैं और अपनी बात को खुलकर जाहिर करते हैं। इन्हें छोटी मानसिकता वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।